हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम सॉफ्ट और स्पंजी इडली की रेसिपी। इडली सारे बच्चों और बड़ों सबको पसंद होती है, तो चलिए हम इडली की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बनाते हैं इडली। इडली का बैटर बनाने के लिए हम लोग ये देखिए 3 कटोरी चावल, ये मैं 3 कटोरी चावल डाल रही हूँ इसमें, और इसमें 1 कटोरी उड़द की दाल। ये रेशियो मैंने लिया है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो रेशियो आपको यही रखना है। जैसे 3 कटोरी चावल लिया है तो 1 कटोरी दाल, इसको मिक्स कर लीजिए। और देखिए इसका बैटर बनाने के लिए मैं मोटे चावल यूज़ कर रहे हैं, बासमती चावल आप मत यूज़ करिएगा। इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद में इसको भिगो के छोड़ना है 6 से 7 घंटे के लिए। इसमें पानी देखिए इतना एक्स्ट्रा है, आप इतना पानी एक्स्ट्रा रखिएगा चावल से, और उसको भिगो दीजिए रात में 6 से 7 घंटे के लिए। ये चावल और दाल जो रात को भिगोए थे ये 6-7 घंटे अच्छे से भीग लिए हैं। अब मैंने इसे साफ़ पानी से धो लिया है, और अब इसे मिक्सर में पतला पतला पीसना है एकदम। ये जो 4-5 घंटे के लिए हमने घोल भिगो रखा था पीस के, उसके बाद में देखिए इसमें खमीर उठ गया है। खमीर उठने के बाद में हमें इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करना है। आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला लीजिए। 2 चम्मच नमक डालने के बाद में 1/2 चम्मच सोडा इसमें डालना है। नमक और सोडा मिलाने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ऐसा रहना चाहिए आपका गोल। ये मिलाने के बाद में हमें एक साइड में इडली के कुकर को चढ़ा देना है पानी डाल के, उसका पानी गर्म होने के लिए। और जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम इडली का स्टैंड लेंगे, और इडली के स्टैंड में हम लोग ऐसे करके तेल लगाएंगे ताकि हमारी इडली चिपके ना। ये मैंने सारे स्टैंड पे तेल लगा लिया है। तेल लगाने के बाद में आपको इसमें घोल को ऐसे डाल देना है। घोल को डालने के बाद में इडली के स्टैंड में इसको ऐसे रख देना है, और रखने के बाद में इसको 15 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। देखिए फ्लेम को मीडियम कर देना है, और 15 मिनट के बाद में इसको खोल के चेक करना है। 15 मिनट के बाद में गैस बंद कर देनी है, और इसका ढक्कन हटा के हमें इसको चेक करना है। ये देखिए चाकू एकदम क्लीन है, इसका मतलब इडली पक गई है। अब हमें इडली को निकाल लेना है, और 1 मिनट के लिए इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद में हमें इसको शार्प स्पून से निकालना है। ये देखिए एकदम स्पंजी और एकदम सॉफ्ट इडली बनी है। ये सॉफ्ट एकदम मुलायम इडली बनके तैयार है। अब इसे सांभर के साथ में और नारियल की चटनी के साथ में आप परोस सकते हैं।